أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. شاہ مصر کا خواب. بادشاہ سلامت نے اپنے دربار شاہی میں ایک دن ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سرسبز بالیاں اور سات خشک. اے بزرگان قوم، میرے خواب کے بارے میں کچھ بتائیں اگر آپ خواب کی تعبیر جانتے ہوں. انہوں نے کہا کہ بے معنی خواب ہے اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں. اور اب اس ساقی محفل شاہی نے کہا جس کو ان دونوں میں سے جیل سے رہائی ملی تھی اور ایک عرصے کے بعد جس کو یوسف کی بات یاد آئی. میں اس کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا، مجھے یوسف کے پاس جانے کا موقع دیجئے. پھر وہ یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے یوسف راس باز، ذرا اس خواب کے بارے میں بتائیے کہ سات موٹی گاؤں کو سات دبلی گائیں کھا رہی اور سات سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں اور انہیں پھر آپ کے بارے میں معلوم ہو. خواب کی تعبیر.
उन्होंने कहा ताबीर ये है कि तुम लोग मुसलसल 7 साल अच्छी खेती बाड़ी करोगे, खूब पैदावार होगी। तो जो खेतियाँ काटना तो दानों को बालियों में रहने देना, सिर्फ थोड़ा अनाज खाने की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना। फिर 7 साल सख्त होंगे, उनमें कहत पड़ेगा। जो सारी जमा शुदा पूंजी और तमाम गोदामों का अनाज खा जाएंगे, सिवाय उस अनाज के जिसको महफूज कर लोगे। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा होगा जिसमें लोगों को खूब नवाजा जाएगा और वो फलों का रस निचोड़ेंगे। बादशाह की तलबी और यूसुफ की खुददारी। मजलिस शाही का साकी ताबीर का मज़मून लेकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ और मिन अन ताबीर सुना दी। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और बादशाह ने कहा कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जब कासिद शाही यूसुफ के पास आया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास जाओ और पूछो कि इन औरतों का क्या किस्सा है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, उनके फितने की तहकीक की जाए। बेशक मेरा रब उनके मकर फन और चालों से बखूबी वाकिफ है। फौरन तहकीक शुरू हो गई। बादशाह ने उन बेगमात को तलब किया और उनसे पूछा कि क्या किस्सा था तुम्हारा जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। वो बोली पनाह बखुदा, हमारे इल्म में यूसुफ की कोई बुराई नहीं। अजीज मिस्र, गवर्नर साहब की बीवी बोली, अब सच खुल कर आ गया है, मैं मुजरिम हूँ। मैंने उनको रिझाने की कोशिश की थी, वो सच्चे हैं। मैं साफ एतराफ कर रही हूँ ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि उनकी पीठ पीछे मैं उनके साथ खयानत नहीं कर रही हूँ। और ये कि अल्लाह खयानत करने वालों की चालों को कामयाब नहीं होने देता है। उधर यूसुफ ने कहा, मैं अपनी पाकी दामान बयान करना नहीं चाहता, नफ्स तो बुराइयों पर उकसाता है, बस जिस पर अल्लाह रहम फरमा दे वही महफूज रहता है। बेशक मेरा रब बहुत मग़फ़रत फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। सूरह यूसुफ की ये आयत करीमा आयत नंबर 45 से शुरू होती है और आयत नंबर 53 पर ख़त्म होती है। यहाँ से एक नया किस्सा हमारे सामने आ रहा है। हज़रत यूसुफ की सवाने में एक नया मोड़ आया है। हज़रत यूसुफ की आजमाइशों का दौर अब ख़त्म होने को है और एक नया दौर शुरू होने वाला है। अब जिस दौर की तमहीद हो रही है वो दौर हज़रत यूसुफ की हुक्मरानी का है, उनके इख्तदार का है, उनकी शौकत का है, उनकी अजमत का है। एक ऐसा नया दौर आने वाला है जिसके बारे में हज़रत यूसुफ ने बचपन में ख्वाब देखा था और जिस ख्वाब की ताबीर वालिद ने बयान फरमाई थी। वालिद साहब ने जब ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई थी तो ख्वाब का जो रूहानी पहलू है, ख्वाब का जो दीनी पहलू है और ख्वाब में इज्तिबा और इस्तिफा की जो पेशिंगोई है, हज़रत याकूब ने उसका तذکرہ किया। हज़रत याकूब के जहन में भी ये ताबीर नहीं आई कि ये मेरा बेटा यूसुफ एक दिन मुल्क मिस्र का हाकिम बनेगा और इसके हाथ में इख्तदार आएगा। ये ताबीर हज़रत याकूब की तरफ से सामने नहीं आई। अल्लाह ताला ने जितना हज़रत याकूब को समझाया वो उन्होंने समझ लिया और ये कहा وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारा इंतखाब करेगा और तावील अहादीस का तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। बातों की तह तक तुम पहुंच जाओगे, ख्वाबों की ताबीर का अल्लाह इल्म अता फरमाएगा। ये वो बात थी जो हज़रत याकूब ने इरशाद फरमाई और ख्वाब की उनके नज़दीक ये ताबीर थी। लेकिन अल्लाह के इल्म गैब में ख्वाब की इस ताबीर में कौन कौन से पहलू छुपे हुए थे, क्या क्या राज नहां थे,
इसको जाहिर है कि सिर्फ अल्लाह जानता है, वो जितनी बात से अपने किसी फरिश्ते को या किसी नबी को मुत्तले करना चाहता है मुत्तले कर देता है, और जिस गैब को अपने पास महफूज रखना चाहता है वो गैब उसके पास महफूज रहता है। इंतज़ामात किस तरह होते हैं और आजमाइशें कैसी होती हैं, फिर आजमाइशों का सिलसिला किस तरह ख़त्म होता है, किस तरह असबाब धीरे धीरे इकट्ठा होते चले जाते हैं। ये दुनिया दारुल असबाब है और दारुल असबाब में अल्लाह का जो निज़ाम है वो असबाब ही के साथ इस तरह से कायम रहता है कि बज़ाहिर देखने वाली आँखें ये समझती हैं कि असबाबी दुनिया के ये वाक़ियात हैं और एक वाक़या दूसरे वाक़े का सबब है। असबाब की दुनिया से जिनका ताल्लुक़ होता है और जो गैब को नहीं देख पाते हैं और जिनका अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ नहीं होता है वो फिर इन्हीं असबाब की तौजीहात करते हैं, और इसी दुनिया के वाक़ात से किसी भी पेश आने वाली बात को मरबूत करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बादशाह की मजलिस के और बादशाह के करीब तरीन खुद्दाम में से जिन दो अफराद को इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था कि उनमें से एक ने बादशाह को पेश की जाने वाली शराब में जहर मिलाया था, और एक जो नान भाइयों का ऑफिसर था उसकी तरफ से रोटी में जहर मिलाया गया था, ये बात कही गई थी, ये इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था। उसकी तहकीकात हुई और तहकीकात इस तरह हुई कि एक जुर्म साबित हो गया, यानी जो नान भाई था या नान भाइयों का ऑफिसर था उसके बारे में ये जुर्म साबित हो गया कि इसने जहर मिलाया और इसने बादशाह को कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है साकी का, उसके बारे में इल्ज़ाम ख़त्म हो गया और उसके हक में सफाई दे दी गई। नतीजतन अदालत ने जो फ़ैसला किया या बादशाह को तहकीकात के बाद जो बात समझ में आई कि ये साकी मुजरिम नहीं है लेकिन ये हमारे मतबख़ का ज़िम्मेदार मुजरिम है, इसलिए फ़ैसला मतबख़ के ज़िम्मेदार के बारे में ये हुआ कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और साकी के बारे में ये फ़ैसला हुआ कि वो अपनी मुलाजमत पर बहाल कर दिया जाएगा। चूँकि हज़रत यूसुफ ने जो ताबीर इरशाद फरमाई थी उसमें ये बात वाज़े कर दी थी कि साकी बादशाह की मजलिस का साकी अपनी मुलाजमत पर बहाल किया जाएगा और दोबारा उसको इज्जत मिलेगी, जेल से उसकी रिहाई हो जाएगी, दोनों को जेल से बहरहाल निकाला जाएगा लेकिन एक को सूली पर चढ़ाने के लिए और एक को शाही एजाज़ दोबारा मिलने के लिए ये इंतज़ाम होगा। और फिर हज़रत यूसुफ ने उससे कि जो साकी मजलिस शाह था ये फरमाया था कि मेरा तज़किरा अपने आका से कर देना, बादशाह सलामत के सामने जिक्र कर देना तुमने जो कुछ यहाँ देखा, जेल का जो हाल देखा, और मेरे बारे में जो तुम्हारी मालूमात है वो वहाँ बता देना। लेकिन होता क्या है कि जेल से रिहाई के बाद जो घर वालों ने खुशियाँ मनाई और दरबारियों ने जो मुबारकबादें दी और फिर अपनी मुलाजमत पर बहाली का जो वाक़या हुआ, इन सब बातों से ऐसा वो शख्स मग़लूब हुआ और ऐसी खुशियों में मशगूल हुआ कि उसको ये बात याद नहीं रही, या किसी वजह से एहतियातन उसने ये मुनासिब समझा कि अब जेल में जो यूसुफ हैं उनके बारे में मैं कोई सिफारिश क्यों करूं, पता नहीं इसके क्या माने लिए जाएं, तो इसलिए उसने खामोशी इख्तियार की। लेकिन बहरहाल कुरान के बयान से तो ये बात वाज़े हो जाती है कि वो भूल गया, यानी अपनी खुशियों में और मुबारकबादियों की वसूलियाबी में और घर में जो दावतें हो रही होंगी और जो मेहमानों का इस्तकबाल हो रहा होगा तो अच्छी से अच्छी बात भी इंसान भूल जाता है, जहन पर जोर देता है फिर जहन से निकल जाती है। और न सिर्फ ये कि इस मौजू को वो भूल गया एक दो दिन के लिए, लंबी मुद्दत तक जहन गया ही नहीं, क्योंकि कोई ख्वाब होता और वो कोई ख्वाब भी ऐसा होता जिसके लिए यूसुफ़ के पास जाना पड़ता तो जहन मुतवज्जे होता, क्योंकि ऐसा कोई वाक़या नहीं पेश आया तो बस अपने काम में वो ऐसा मशगूल हो गया और
और उसकी धुन में इस तरह लग गया कि उसको होश ही नहीं आया कि यूसुफ़ ने क्या कहा था, कितना बड़ा उनका एहसान है। और उसने जो हालात हज़रत यूसुफ़ के जेल में देखे थे कि ये तो सारे जेल वालों के लिए एक मसले हैं, इनके नतीजे इनके वहाँ मौजूद रहने से तो जेल के हालात बदल गए हैं और जेल के जो अफराद हैं वो सब के सब नेक और साले बन गए हैं। तो ये ख़बर तो बादशाह को यूँ भी देनी चाहिए थी, लेकिन बस आदमी का हाल इसी तरह होता है कि जो अहम बातें हैं वो फरामोश कर देता है और अपनी दुनिया में इस कदर मशगूल हो जाता है कि जहन बहुत सी ज़रूरी बातों को याद नहीं रखता। लेकिन एक मुद्दत गुजरी, क़ुरान पाक ने उस मुद्दत के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है बिदअ सिनीन का, और बिदअ का लफ्ज़ 3 से लेकर 9 तक के अदद पर बोला जाता है। जैसे सूरत रूम में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ और वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इसी माने को मलहूज रखते हुए अबू बकर सिद्दीक से यह कहा था जब उन्होंने उमैया से एक शर्त तय की थी, और बात यह थी कि ईरानियों की जीत हुई है जिस पर काफिर खुश थे, और रूमियों की हार हुई है यानी ईसाइयों की हार हुई है जिस पर मुसलमानों को तकलीफ़ महसूस हो रही थी, और क़ुरान पाक की आयतें नाजिल हुई थी कि बिदअ सिनीन चंद सालों में सूरत हाल बदल जाएगी, रूमी गालिब आ जाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक ने एक शर्त बदी थी, उस शर्त में 3 साल की बात कही थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि 9 साल की बात करो, क्योंकि ये लफ्ज़ 3 से 9 तक इस्तेमाल होता है, तो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 9 है, और इसमें एहतियात मलहूज रखना चाहिए, क्योंकि मुतय्यन तौर पर अल्लाह ताला ने 5 साल या 6 साल या 7 साल तो नहीं कहा है, तो जब गुंजाइश इसकी है तो इसलिए तुम 9 साल की शर्त रखो। यहीं से ये बात मालूम हो गई कि यहाँ पर ये 3 साल भी हो सकते हैं और 9 साल भी हो सकते हैं। तौरात का हवाला देकर ये बात बताई गई थी कि उसमें ज़िक्र इसका है कि यूसुफ़ जब जेल पहुँचे थे तो लगभग 20 साल उनकी उम्र थी, और उसके बाद जब वहाँ से निकलने की नौबत आई तो 30 साल की उम्र थी, यानी मिस्र में जो नया दौर उनका शुरू हुआ तो उस वक्त 30 साल के वो जवान थे। और बाज़ रिवायतों से बात मालूम होती है कि जेल का जो दौरानिया था उसी में उनको अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत से सरफराज फरमाया गया। बहरहाल नबूवत हज़रत ईसा को भी जहाँ तक रिवायत से मालूम होता है 30 साल में मिली थी, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से किसी को 30 साल में या उससे कम में या उससे ज़्यादा में नबूवत अता कर दी जाए तो इसमें कोई हैरत और ताज्जुब की बात नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत अता की गई, लेकिन ये कोई क़ैद नहीं है कि जब कोई 40 साल का होगा तभी नबूवत मिलेगी। तो ये सारी मालूमात ऐसी हैं कि ला नुसद्दिकुहुम वला नुकज़्ज़िबुहुम, हम न तस्दीक करते हैं न तकज़ीब करते हैं। तकज़ीब की भी कोई दलील हमारे पास नहीं है और तस्दीक के लिए भी हुज्जत हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल तारीख़ के मुकाबले में हम ये समझते हैं कि तौरात और तलमूद की जो मालूमात है उस वक्त तक तो वो काबिल तस्लीम है जब वो कुरान से न टकराएं या हुजूर की हदीस से न टकराएं या तारीख़ के हकायक से वो मुतसादिम न हो, और अगर तारीख़ के हकायक से वो मुतसादिम है या कुरान से या हदीस से वो टकराती हैं तो ज़ाहिर है कि फिर हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम उनको तस्लीम न करें और ये बता दें कि यकीनन इनमें तहरीफात हुई हैं। जैसे अभी इसी किस्से में आगे ज़िक्र आएगा कि तौरात में और तलमूद में इस वाक़े के सिलसिले में क्या गलतियां हुई हैं और क्या कमियां हैं जो तौरात में नहीं बयान की गई हैं और जिनको कुरान पाक ने नुमाया तौर पर बयान किया है, और जिससे ये बात भी सामने आती है जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तकाबुली मुताला करते हैं तो उस वक्त हमें मालूम होता है कि कहाँ कहाँ तौरात में झोल है और कहाँ कहाँ तलमूद में गलतियाँ हैं और कुरान किन चीज़ों की निशानदेही कर रहा है और किन पहलुओं को उजागर कर रहा है जिनको या तो गलत तरीके पर वहाँ दर्ज किया गया है या उनका तज़किरा ही नहीं। तो बादशाह सलामत एक दिन बड़े फ़िक्रमंद दरबार में आए, चेहरे पर उनके बेचैनी का इजहार हो रहा था, वो मुतमईन नहीं थे,
और दरबारी सब हाजिर हो गए। और उस वक्त उन्होंने दरबारियों से कहा कि मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है और मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ, मुझे उस ख्वाब की वजह से एक बेचैनी सी लाइक है, आज तबीयत में वो इत्मीनान और सुकून नहीं। मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं, उनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। गाय तो चारा खाती है, गोश्त तो खाती नहीं। गाय शेर तो है नहीं, चीता तो है नहीं कि वो हमला करे किसी चौपाए पे। लेकिन ये हैरत अंगेज बात मैं देख रहा हूँ कि दुबली गायें मोटी गायें मोटी गायों को खा रही। इसी तरह मैंने देखा कि 7 सब्ज बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां हैं, यानी एक खेत में इस तरह का मंजर है कि एक तरफ 7 बालियां हैं जो सरसब्ज और शादाब और एक तरफ 7 बालियां जो खुश्क है। तो ये जो मैंने ख्वाब देखा है, मैं इसकी ताबीर चाहता हूँ। आप सब बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े साहिब इल्म हैं और आप की मालूमात दुनिया के बारे में और बहुत से रूहानी पहलुओं के बारे में भी हैं, आप में काहिन भी हैं, आप में नजूमी भी हैं और आप में बड़े बड़े मुआब्बिरीन भी हैं। आप लोगों को ख्वाब की ताबीर बताते हैं, आप सितारों के ज़रिए से बहुत से फ़ैसले करते हैं, तो ये इल्म आपको हासिल है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपने इस ख्वाब का तज़किरा करके जानना चाहता हूँ कि आपके दिमागों में इसकी ताबीर क्या आती है। दरबार में पुरोहित भी और पुजारी भी और मजहबी पेशवा भी और बाज जादू के माहिरीन भी, कहानत के अच्छे वाकिफकार भी, मुख्तलिफ किस्म के जो उलूम हैं और जिनमें इंसान ये दावा करता है कि वो गैब की इत्तला हासिल कर लेता है, मुस्तकबिल के बारे में उसको मालूमात हो जाती हैं और वो ख्वाबों के राजों का पता चला लेता है, ये जो दावे होते हैं नजूमियों के और काहिनों के और जादूगरों के और जो इस तरह के इल्म के मुद्दई होते हैं, क्योंकि वो दरबार में मौजूद थे, दरबार वज़रा और उमरा और कुबरा और मजहबी पेशवा और संत और महंत और पुजारी का मजमुआ था, तो अब सब सन्नाटे में आ गए। इस ख्वाब को सुनने के बाद सन्नाटे छा गए, एक दूसरे को देख रहे हैं कि बताइए भैया, आप बताइए, आप बताइए, जो बड़े पुरोहित थे उनकी तरफ सब मुतवज्जे हुए कि भाई आप बताइए। तो अब क्योंकि उनके सामने कुछ नहीं था, उन्होंने ये कह दिया कि बादशाह सलामत हमें तो ऐसा लगता है कि ये ख्वाब परीशा है। बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान को किसी वक्त नज़र आते हैं, तबीयत की नासाजी की वजह से मैदा ख़राब होता है, कोई और बात होती है, उसकी बुनियाद पर मुंतशिर किस्म के ख्वाब होते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है। और सच्ची बात तो यह है कि ख्वाबों की सही ताबीर से हम लोग वाकिफ भी नहीं। अब उन्होंने अपनी जहालत का भी एतराफ़ किया, लावाम के सामने बड़े बड़े दावे बघारते थे, खूब नजराने वसूल करते थे, खूब दिरहम व दीनार इकट्ठा करते थे, आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, ये संतों मानतों का हाल। लेकिन बादशाह सलामत के सामने अब जवाब देना था, जवाब न देने पर उनकी हैसियत को मजरू होना था। तो अब इस मौके पर उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया, एक तरफ तो ये कि हम ताबीर के माहिर नहीं, दूसरी तरफ ये भी कि ख्वाब परेशान लगते हैं। ये वो मौका था कि जो महफिल का साकी था, एकदम से उसके दिमाग में एक बात ठनक गई, अरे हम लोगों ने ख्वाब यूसुफ से पूछा था जेल में और यूसुफ ने जिसके ख्वाब की ताबीर की थी वो सही थी, बल्कि यूसुफ का तो ये हाल था कि ये बता देते थे किसके घर में कौन सा खाना पका है और आज क्या खाना आएगा। अल्लाह ताला ने ये इल्म भी उन्हें अता फरमाया और हम लोग तो उन पर ईमान लाए थे। अब हमारा जो साथी है वो उनके ताबीर बयान करने के नतीजे में सूली पर लटका दिया गया और मेरे बारे में ये कहा था कि मुझे रिहाई मिलेगी, मुझे रिहाई मिली और ये कहा था कि तुम फिर साकी बनो, मैं साकी बना, सच्चा सच मेरा ख्वाब सच्चा था, ताबीर सच्ची थी। तो अब ये वो मौका है कि मुझे वो बात याद आई, या अल्लाह कितना बड़ा जुर्म है मेरा कि मैं इतना गाफिल रहा, उनके एहसान को मैंने फरामोश कर दिया और दुनिया में अपने को भुला के रख दिया।
उस वक्त वो अब हिम्मत करके आगे बढ़ा, बादशाह सलामत बंदा अगर कुछ अर्ज़ करने की इजाज़त उसको मिले तो कुछ अर्ज़ करे। क्या कहते हो? साकी ने कहा कि मैं उसकी तावील की तफसीलात लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मुझे आप मौका दीजिए कि मैं जेल जाकर यूसुफ़ से मिलूँ, वो बड़े मुअब्बिर हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और आपके ख्वाब का तज़किरा करता हूँ और फिर आपकी खिदमत में आता हूँ। ज़ाहिर के बादशाह बेचैन था, उसको तो फिक्र थी, उसने कहा ठीक फौरन जाओ। अब साकी ने महफिल छोड़ी और तेज़ी से घोड़े पर सवार हुआ, लपकता हुआ जेल पहुंचा। जेलर से उसने कहा कि बादशाह सलामत की तरफ से आया हूं, मुझे यूसुफ से मिलना है। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। अब वो अंदर हजरत यूसुफ के पास पहुंचा और उसने कहा कि हजरत, मैं पहले तो माफ़ी मांगता हूं कि आपने जो बात इरशाद फरमाई थी उसको मैं बिल्कुल भूल गया, ऐसी भूल मुझ पर मुसल्लत हुई कि इतना वक्त गुजर गया, कई साल आपको जेल में रहना पड़ा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन आज मैं बादशाह सलामत के ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूसुफ आप सिद्दीक हैं, सादिक व सिद्दीक, उसकी ताबीर बराह करम इरशाद फरमा दें। क्या देखा ख्वाब बादशाह ने? अब ये देखा कि सात मोटी गायें हैं, उनको सात दुबली गायें खा रही और सात बालियां सरसब्ज और सात खुश्क। हजरत यूसुफ ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूरे एतमाद के साथ इरशाद फरमाया, ख्वाब की ताबीर सुन लो। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि सात साल खूब पैदावार होगी, खूब काश्त होगी और खूब खेतियां लहलहाएंगी, खूब बाग फलेंगे। अब एक नसीहत भी मेरी सुन लो ताबीर के साथ साथ, कि बादशाह सलामत से ये भी कह देना कि सात साल की पैदावार में से जितनी पैदावार अपनी बालियों में महफूज की जा सकती हो और उसके छिलके को न उतारा जाए ताकि वो महफूज रहे अगले मरहले के लिए, तो ऐसा करें और ज़रूरत भर सिर्फ इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसके बाद सात साल बड़े सख्त आएंगे, कहत पड़ेगा, ज़मीनें सूख जाएंगी, बारिश नहीं होगी, और ये जो सात साल बाद के आएंगे, पिछला जो कुछ भी सरमाया होगा, जो कुछ भी गोदामों में स्टोर किया जाएगा, सब ये साल खा जाएंगे। अगर इन सात सालों में जो बड़ी पैदावार के होंगे हिफाजत का काम नहीं किया गया तो फिर लोग भूखे मरेंगे, मुल्क वीरान हो जाएगा। फिर सख्त सात साल यानी कैद के जो सात साल होंगे उसके बाद एक साल ज़बरदस्त पैदावार का होगा, खूब बारिशें होंगी, खूब पैदावार होगी और खूब अंगूर फैलेंगे, कि लोग अंगूर निचोड़ निचोड़ कर उसका रस पिएंगे, शराबें तैयार करेंगे, ये सूरत हाल होगी। यह ख्वाब की ताबीर, बस अब आप जा सकते। साकी जेल से उठा और तेजी के साथ लपकता हुआ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर उसने इस ख्वाब की ताबीर पूरी तरह वाज़ह तौर पर सुना दी कि उन्होंने यह इरशाद फरमाया है कि सात साल अच्छी पैदावार के होंगे, सात साल कहत के होंगे, फिर एक साल ज़बरदस्त पैदावार का होगा और सात साल जो पैदावार के होंगे, साथ साथ उन्होंने ये हिदायत भी दे दी कि उस दौरान के अनाज को महफूज करने की कोशिश की जाए, कि सात साल तक उसको स्टोर किया जाए। ये बात सुनते ही बादशाह का हाल ये हुआ कि जैसे ख्वाब की हकीकत पा ली उसने, उसके दिल ने गवाही दी कि बिल्कुल सच्ची ताबीर उस, यानी जाहिर है कि वो मुअब्बिर नहीं था, वो खुद से तो ताबीर नहीं समझ रहा था, लेकिन उसने फौरन ये इदराक कर लिया कि ये शख्स जिसको जेल में गलती से डाला गया बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, ये बहुत बुजुर्ग आदमी है।
ये एक इल्हामी शख्सियत है, कैसी बात इसने कही है, मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हो के रहेगा। अब तुम जाओ, तुम जल्दी जाओ और उनको ले के आओ, जेल में एक दिन रहना दुरुस्त नहीं है, ये तो हमारे जुर्म है कि हमने इसको गवारा कर लिया, हमारे साथ ये धोखा किया गया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और जेल में डाल दिया गया, तुम फौरन उसको जेल से ले के आओ। अब साकी फिर पलटा, फिर घोड़े में बैठा और तेजी के साथ जेल पहुंचा। फिर उसके बाद जेलर से उसने कहा कि बादशाह सलामत ने भेजा और कहा कि फौरन यूसुफ को लेकर दरबार में हाजिर हो जाए। तो फौरन जेलर ने सारे दरवाजे खोल दिए और ये कहा कि बिल्कुल बंदा हाजिर है, आप जिस तरह चाहिए ले जाइए। लेकिन जिस वक्त उस कैदखाने में ये साकी पहुंचा जिसमें हजरत यूसुफ गिरफ्तार थे, कैदी थे, और उनसे जाकर ये कहा कि बादशाह सलामत आपको दावत दे रहे हैं। ये वो मौका है कि जिसका तज़किरा या तो बाइबल में है नहीं, और बाइबल और तौरात में, तो खैर तौरात में इसका जिक्र ही गायब है, जो ये अहम तरीन मौका है और अहम तरीन बात है और किस्से का खुलासा और जान है, तौरात से गायब है, और तलमूद में जो तफसीलात बयान की गई हैं वो ऐसी हैं कि जो हजरत यूसुफ के मर्तबे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, कि वो बड़े खुश हो गए और जल्दी से तैयारी शुरू कर दी और अपनी हजामत बनवाई और कपड़े बदले, नहा धोकर कपड़े उन्होंने बदले और बस फौरन दरबार में हाजिर हो गए। वो तो गोया इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे और इसीलिए उन्होंने साकी से कहा था। इस अंदाज की तफसीलात तलमूद में बयान की गई हैं और ज़ाहिर है कि तलमूद की इन तफसीलात को एक तरफ आप देखिए और एक तरफ कुरान के बयान को देखिए कि कुरान किस तरह उनके बुलंद मकाम को बयान करता है और उनको अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अता फरमाई थी, जो खुददारी अता फरमाई थी और अपनी ज़ात में जो अल्लाह ताला ने उनको मारिफत की दौलत अता फरमाई थी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने साफ जवाब दिया साकी को, जाइए बादशाह सलामत साहब से पहले ये कह दीजिए कि वो किस्सा क्या था जो मिस्र की बेगमात का था, वो जो मसला ख़वातीन का पेश आया था जिसको बुनियाद बनाकर और अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा के केस को बुनियाद बनाकर मुझे जेल की काल कोठरी में डाला गया था, क्यों उसकी तहकीक कर ले पहले बादशाह सलामत, मैं जुर्म के इल्ज़ाम को लेकर बाहर जाऊं ताकि यह इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे और नतीजतन बदनामी हो कि ये लीजिए ओहदे और मनसब की तलब में गालिबन कोई रिश्वत पेश कर दी, क्या साजबाज हो गई, कौन सा मुआहदा हो गया, लोगों में क्या क्या तबसरे हों, तो मैं पहले ये चाहता हूँ कि सूरत हाल बिल्कुल साफ हो जाए, इसलिए बादशाह सलामत से ये कह दीजिए कि मैं अभी जेल से निकलने के लिए तैयार नहीं, मैंने तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि मुझे इनके फितने से, इन औरतों के फितने से बचाने के लिए जेल में आप चाहे डाल दें, मुझे जेल अजीज़ है, लेकिन इनके फितनों से मुझे बचना है। तो अब ये बादशाह सलामत से पूछिए कि वो क्या किस्सा था जो बेगमात का ज़ुलेखा के घर की दावत में पेश आया था, किसने अपनी उंगलियों पर छुरी चला ली थी, अल्लाह तो खूब जानता है उनका मकर क्या था, उनका फरेब क्या था, उनकी चालाकियाँ क्या थी, अल्लाह तो जानता है, लेकिन दुनिया के सामने भी बात मुबरहन हो जानी चाहिए। ये हजरत यूसुफ के अंदर एक जज्बा था खुददारी का, खुदी का। इधर ये बात साकी फिर जब लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा है तो बादशाह बड़े फिक्रमंद हुए, यानी अभी तक सूरत हाल ये थी कि बादशाह ये सोचते थे कि हमारे बॉडीगार्ड का जो अफसर फोतीफार है या वजीर ख़जाना है उसने कोई कार्रवाई अगर की होगी तो सही की होगी, इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है कि बराह रास्त मैं तहकीकात करूं, तो अपने लोगों पर एतमाद करके जो वाकया यूसुफ के साथ पेश आया उसकी तफसीलात बादशाह के दरबार में कभी जिक्र की ही नहीं गई और बादशाह ने जो कुछ भी पेश आया बस उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन अब बादशाह को फिक्र हुई कि अच्छा ये केस
ऐसा है कि इसकी तहकीक हुई नहीं, और जिस शख्स को जो कैद में पड़ा है सालों से, और मैं उसको शाही दरबार में बुला रहा हूँ और वो तैयार नहीं है। कितना अजीम इंसान है वो, कितना बड़ा खुददार इंसान है वो। फौरन ऑर्डर भेजा गया कि जो ख़वातीन ज़ुलैखा के घर में दावत में शरीक हुई थी और ज़ुलैखा को तलब किया जाए दरबार में। अब जितने भी जिम्मेदार थे, ऑफिसरान थे, पुलिस के ऑफिसरान फौरन उनके इलाके में पहुंचे और ये कहा गया कि आपको बादशाह के यहाँ बुलाया गया। सारी औरतें महलों की बेगमात तैयार हुई, सबके दिल धड़क रहे थे कि देखें आज क्या होगा, हम लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा, अब हम लोग जेल जाएंगे, क्या नौबत आने वाली। डर था क्योंकि वो जानती थी कि जुर्म हमारा है और यूसुफ बेगुनाह है, उनके बारे में जब हमसे सवाल होगा तो हम क्या बोलेंगे। दिल में उनके यही था कि हम बहरहाल झूठ नहीं बोलेंगे, अब हमको हक का एतराफ़ कर लेना है। बेगमात हाजिर हो गई, ज़ुलैखा साहिबा भी हाजिर हो गई, दरबार लगा हुआ है, दरबारी बैठे हुए हैं और ये ख़वातीन सामने बैठी हुई हैं। और उस वक्त बादशाह सलामत फरमाते मा खतबुकुन इज़ रावतुन यूसुफ़ अन नफ्सिह, क्या थी वो सूरत हाल जब तुम लोगों ने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी, तुमने ऐसा किया था कि नहीं। तो उस वक्त एक सत्ते का सा आलम था, लेकिन फिर सब ने बैक जबान कहा हाशा लिल्लाह मा अलमना अलैहि मिन सू, अल्लाह पाक और यूसुफ बेगुनाह है, यूसुफ के बारे में कोई भी बुराई हमने कभी न सुनी न देखी, हम गवाह हैं, हम मोतरिफ हैं कि वो बड़े पाकबाज हैं, बहुत ही बुलंद हैं, अल्लाह के लिए हम ये गवाही दे रहे हैं। और जिस वक्त बेगमात ये कह रही थी, उस वक्त अजीज़ मिस्र फोतीफार की जो बेगम साहिबा थी ज़ुलैखा, वो सन्नाटे में थी, चेहरे का रंग फ़क़्त था, ऐसा लगता था कि अब चेहरा जर्द पड़ गया है, एक खौफ की हालत थी कि इन्होंने तो अपने को अलग कर लिया, अब मेरी बारी है, इसलिए मुझे भी अब हक का एतराफ़ कर लेना है हर चे बादाबाद। ज़ुलैखा ने कहा कि हक बिल्कुल खुल कर सामने आ चुका है, मैं हूँ मुजरिम, मैंने उसको रिझाने की कोशिश की थी, मैंने उसको फंसाने की कोशिश की थी, वो सच्चे हैं, वो रास्तबाज हैं, मैं झूठी, अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। और एतराफ़ बड़ी बात होती है, अल्लाह माफ़ कर देता है, एतराफ़ का ये असर होता है, अल्लाह के यहाँ से भी रहम का फ़ैसला होता है। आगे ये फरमाया कि हज़रत यूसुफ ने ये क्यों किया, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए और अपनी इज्जत और अपनी वजाहत के लिए। उन्होंने फरमाया ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अखुन्हु बिलगैब, ये सब कुछ मैंने इसलिए करवाया, मैं जेल से आने के लिए तैयार नहीं हुआ और मैंने बादशाह सलामत से ये मुतालबा किया ताकि मालूम हो जाए फोतीफार को और मालूम हो जाए बादशाह सलामत को कि मैंने उनकी पीठ पीछे उनके घर में कोई जुर्म नहीं किया, कोई खयानत नहीं की, मैंने कभी बुराई का इरादा नहीं किया, और मुझे मालूम है कि जो खयानत करता है अल्लाह उसकी चालों को नाकाम कर देता है। ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती है जो झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं, धोखा देते हैं, मकर फरेब करते हैं, मैं जानता हूँ इसको, मेरे आबा व अजदाद अंबिया रहे हैं, अल्लाह के फजल से नबी के घर में मेरी तरबियत हुई। तो अब बस मैं ये चाहता था कि मालूम हो जाए पोतीफार को, तो मालूम हो जाए, वो तो जानते थे कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, तो अपनी बीवी को डांटा ही था, लेकिन और जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं और अहदेदार हैं, वज़रा हैं, वो बादशाह सलामत हैं, जिनके कानों में गलत बातें डाली गई, उन्हें मालूम हो जाए कि मैंने कोई खयानत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अपने नफ्स की बड़ाई दिखाना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुनाह मेरे करीब नहीं आ सकता, इसके लिए नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता, मैं तो ये बात जानता हूँ कि नफ्स जो होता है वो बुराई पर उकसाता है, नफ्स की तरबियत होती है, नफ्स का तस्किया होता है तो इस्लाह होती है, और
ये भी जानता हूँ कि मेरा परवरदिगार मग़फ़रत फरमाता है, रहम फरमाता है। ज़ाहिर है कि अपने दिल से तो मैंने हर कीना निकाल दिया है, और जिन्होंने हमारे साथ ये किया और जेल भेजने का जो सबब बनी हो, जिसने हमको धमकी दी, जिसके घर में मैं खिदमत करता था कि तुम्हें जेल में सड़ा दूँगी, मैंने उसको भी माफ़ किया। अल्लाह की जो सिफत मग़फ़रत और सिफत रहमत है उसको मैं अपने सामने रखता हूँ, और मैं अपने नफ्स की बड़ाई दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि सही सूरत हाल से लोग वाकिफ़ हो जाएं, इल्ज़ाम से मैं बरी हो जाऊँ, गलत बात कोई लोगों के जहनों में न रहे, हक सामने आ जाए, इसके लिए मुझे ये कार्रवाई करनी पड़ी। ये हज़रत यूसुफ़ जब जेल में थे तो भी अपने नफ्स से कह रहे थे, अपने दिल में सोच रहे थे, क्योंकि अल्लाह उनकी निगाहों के सामने था, यानी वो अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझते हुए ये बात गोया अल्लाह मियाँ से भी कह रहे थे कि अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूँ, मैं तो आजिज़ हूँ, मेरा नफ्स मुझे भी तबाह कर सकता है, आपके तो सिर्फ रहम है, इल्ला मर रहीम रब्बी। अगर नफ्स की उसका उकसाहटों से कोई मुतासिर हो तो हर शख्स हो सकता है। नबी भी अल्लाह की रहमत से बचता है, नबूवत अल्लाह की रहमत से मिलती है, हिफाजत अल्लाह की रहमत से होती है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, लन युदखिल अहदा मिनकुमुल जन्नत अमलु, तुम में से किसी का अमल उसको जन्नत में नहीं ले जाएगा, अल्लाह की रहमत ले जाएगी। तो लोगों ने पूछा, हुजूर आप भी? क्या फरमाया? हाँ, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमति, फरमाया कि हाँ मैं भी, इल्ला ये कि अल्लाह ही अपनी रहमत मुझ पर छा दे और अपनी रहमत का मामला फरमाए। तो अब सैयदुल अंबिया सैयदुल रसूल भी ये कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से हमारी नाव पार होगी, अल्लाह की रहमत से निजात मिलेगी। अपने ज़ोर बाजू पर और अपने नफ्स पर यकीन करते हुए अगर कोई ये बात कहेगा तो फिर वो अब्दियत से अलग हो जाएगा और अल्लाह की निगाह में फिर वो काबिले मुआखज़ा हो सकता है। इसलिए बंदे का काम ये है, और नबी बंदगी में सबसे बुलंद मकाम पर होते हैं, उनका काम यह है कि बस अपनी कोताही पर निगाह रहे और अब्दियत का इजहार रहे और इबादत में मशगूलियत रहे और कभी भी तकब्बुर का कोई शायबा ना पैदा हो सके और अपने नफ्स का खुद तज़किया ना किया जाए, बल्कि सिर्फ हक को बयान किया जाए और हक के लिए किया जाए और अल्लाह के लिए किया जाए और आखिरत की निजात के लिए किया जाए। दुनिया और दुनिया की वजाहत और दुनिया की हुकूमत और दुनिया का पैसा मकसूद ना हो, ये बंदगी की शान है। और इस शान का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त मुजाहरा फरमाया। बहरहाल केस बिल्कुल वाज़े हो चुका था, हकीकत सामने आ चुकी थी, और तेज़ी के साथ ये सारी खबरें पूरे शहर में फैल गई और धीरे धीरे मुल्क में फैल गई। यानी हज़रत यूसुफ़ का जो किरदार था और अल्लाह ताला ने जो उनको इज़्ज़त नफ्स और खुददारी अता फरमाई थी और जो बेगुनाही थी उनकी, वो सबके सामने बिल्कुल साफ तरीके पर आ गई। कोई शक व शुबा उनकी शख्सियत के बारे में बाकी नहीं रहा, क्योंकि अब उनको आगे चलकर जो काम करना था वो नबूवत का काम था, और नबी की शख्सियत पर दाग लगा हो, धब्बा लगा हो, तो फिर वो नबूवत का काम कैसे करेगा, वो हुज्जत कैसे बनेगा, वो लोगों के लिए उसवा व नमूना कैसे बनेगा। तो ज़रूरत इसी बात की थी कि हक खुल कर सामने आ जाए और यूसुफ़ की शख्सियत के बारे में सबको मालूम हो जाए कि वो बेदाग है, वो बेगुनाह है, वो इस्मत और इफ़त और पाकबाजी की अलामत है, ये बात सबके सामने आ जाए, ताकि जब कल वो दावत दें और मिस्र की इस्लाह का अमल शुरू करें तो कोई बात, कोई इल्ज़ाम रुकावट न बनने पाए। वाखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।